दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपने कोई वीडियो कल अपलोड किया हो और उस वीडियो का व्यूज रुक गया हो, हो सकता है कि दो महीने पहले अपलोड किया हो और अब उस वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहे हो सकता है कि एक साल पहले वीडियो अपलोड किया हो और उस पर व्यूज रुक गया हो। दोस्तों आपको बता दूं कि आपका चाहे जो भी वीडियो, जिस भी वीडियो में दोस्तों अगर आपका व्यूज रुक गया है, आप दोस्तों अपनी वीडियो को बूस्ट करके उसका व्यूज बढ़ा सकते हो। यहाँ दोस्तों साइड में मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत से वीडियो है आपको दिखाने के लिए, लेकिन इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों आप देख सकते हो, ये वीडियो जो अपलोड किया था इसका टाइटल क्या है, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, ये टाइटल था। और ये थंबनेल आप देख सकते हो, ये प्रेजेंट टाइम में थंबनेल है और टाइटल है, लेकिन ये पहले था नहीं, ये हमने चेंज किया है, बिल्कुल चेंज किया है। क्यों चेंज किया था, कब चेंज किया हूँ, ये भी दोस्तों आप जरूर सीखिएगा, आपको कब चेंज करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप देख सकते हो इस वीडियो पे 18 लाख व्यूज है, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले मैं इसके एनालिटिक्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाने क्या वाला हूँ, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना। यहाँ पर हम रिच वाले ऑप्शन में अगर जाते हैं और यहाँ पर सीटीआर आपको पता है क्या दोस्तों, जो लिखा है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो का जो थंबनेल है उस पर कितना लोग क्लिक कर रहे हैं। अब परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो दोस्तों कि अगर 100 लोगों के सामने आपकी वीडियो YouTube ने दिखाया, ठीक है, अगर आपकी वीडियो का थंबनेल वो बंदे देख लिए तो उसको बोलेंगे कि 100 इंप्रेशन आ गया आपके चैनल पे। जैसे इंप्रेशन क्या होता है आपको ये भी दिखा दूं, बगल में यहाँ पे इंप्रेशन दे रखा है, ये दोनों ध्यान से समझना, तभी आप अपने वीडियो को बूस्ट कर पाओगे, वरना फिर आप भी गलत तरीके पे जाओगे और फिर कहोगे यार हम तो वीडियो को बूस्ट कर लिए हैं, व्यूज ही नहीं बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ेगा, गलत तरीके से बूस्ट कर रहे हो। बूस्ट ऐसे करो, देखो ये होता है इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर कितना लिखा है 27.9 मिलियन इंप्रेशन गया है इस वीडियो का, मतलब कि 2,79,00,000 इतना है, ठीक है ना, इतना हमारा इंप्रेशन गया है, तकरीबन 2 करोड़ लोगों के पास हमारा वीडियो का इंप्रेशन गया। इंप्रेशन का मतलब हमारी वीडियो का जो थंबनेल है वो इतने लोगों के सामने से गुजर गया है, लेकिन क्लिक कितने लोग किए हैं, बहुत ही कम लोग, कितना किए हैं, जितना क्लिक करेंगे उतना हमको व्यूज मिलेगा। वो कैसे पता चलेगा, ओवरव्यू में जाओगे तो इतना 18 लाख लोगों ने तकरीबन इस पर क्लिक किया है, तो 18 लाख व्यूज है। दिखाया कितने को यूट्यूब, मतलब कि 2 करोड़ तकरीबन 80 लाख लोगों को हमारा वीडियो दिखाया यूट्यूब ने, मतलब उनके सामने से गुजरा है, लेकिन क्लिक सबने नहीं किया है, जिनको जरूरत थी उन्होंने क्लिक किया, जिनको थंबनेल अच्छा लगा उन्होंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, CTR क्या होता है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब होता है कि जितने लोगों को दिखाया गया उसमें से कितना परसेंट लोगों ने क्लिक किया। मान लो 100 लोगों को यूट्यूब ने दिखाया, 100 लोग आए आपकी वीडियो का थंबनेल लेके चले गए, उसमें से 4 लोगों ने क्लिक कर दिया, तो 4% ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। अब आप देखोगे आपको यूट्यूबर क्या सिखा रखे हैं यूट्यूब पर, कि जब आपका जो CTR है, देखिए CTR है ना, इसका अलग अलग लेवल है, आप देख सकते हो इस दिन इतना था, इस दिन इतना था, इस दिन बढ़ रहा है, इतना पहुंच गया, देख सकते हो यहां तक आ गया, 5.9 तक पहुंच गया, ठीक है, फिर घट रहा है, ऐसे हो रहा है। आपसे आपको यूट्यूबर क्या बोल रखे हैं, जब आपके वीडियो का CTR डाउन जाए आप अपना थंबनेल चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो, क्योंकि आपका CTR डाउन जा रहा है। CTR डाउन का क्या मतलब, कि आपके थंबनेल पर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है, यही ना लोग कहते हैं, लोग आपसे ये कहते हैं, बट ऐसा करना मत, बिल्कुल गलत तरीका है ये, प्रूफ करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। CTR डाउन जा रहा है, हो सकता है कि अभी ये 4 पे आ गया नीचे, हो सकता है कल को ये 2 पे आ जाए, 3.8 पे आ गया, 2 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, मैं चेंज नहीं करूंगा, चाहे जितना नीचे आ जाए मैं अपना थंबनेल चेंज नहीं करूंगा, चाहे CTR जितना डाउन हो जाए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, CTR चेंज करना चाहिए ना, थंबनेल पे कोई क्लिक नहीं कर रहा है तो हमारा CTR डाउन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। थंबनेल कब चेंज करना चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। CTR से कोई मतलब नहीं है, यहाँ CTR से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है क्या देखना होता है, वो देखना होता है दोस्तों इंप्रेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, बैक करता हूँ यहाँ से, यहाँ चलते हैं, इंप्रेशन खोलते हैं, यहाँ तो पूरा सिंस पब्लिश का दिखा रहा है, हम देखते हैं इंप्रेशन कितने दिन का, 28 दिन का देखते हैं, एक महीने का। पिछले एक महीने का अगर आप इंप्रेशन देखो तो इस दिन इतना आ रहा था, देख सकते हो यहाँ पर 67, 72 इतना आ रहा था, और यहाँ से अचानक बढ़ना शुरू हो गया, देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, ये एक एक दिन का इंप्रेशन है, एक एक दिन में हमारी वीडियो को YouTube इतने लोगों के पास भेज रहा है, सिर्फ इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो, 2,16,000, 2,54,000, 3,74,000, अभी भी देख सकते हो कि 3,82,000 इतने लोगों के पास भेजा है, कल और ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, CTR डाउन हो रहा है, इंप्रेशन बढ़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, अभी आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इंप्रेशन बढ़ रहा है तो व्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आइए देख लेते हैं, व्यूज़ पे चलते हैं और यहाँ पर हम 28 दिन का व्यूज़ खोल देते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों कि हमारे व्यूज़ भी लगातार बढ़ रहा है, ये देख सकते हो लगातार व्यूज़ भी बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा, समझ रहे हो, CTR से कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर। इंप्रेशन बढ़ रहा है, इंप्रेशन का मतलब ज़्यादा लोगों को YouTube आपकी वीडियो दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, भाई आपकी वीडियो YouTube अगर 100 लोग को दिखाएगा तो 100 लोग के अंदर से तो कुछ लोग क्लिक करेंगे, अगर 1 लाख लोगों को दिखा दे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, 1 करोड़ लोगों को दिखा दे तो
तो ज़्यादा ही लोग क्लिक करेंगे, सीधी सी बात है, जितना पहले क्लिक करें उससे ज़्यादा क्लिक करेंगे। तो इम्प्रेशन अगर बढ़ रहा है तो आपका व्यूज़ भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन CTR डाउन होगा। CTR डाउन क्यों होगा ना, अभी मैं इसको समझाऊंगा, थोड़ा अभी इसको समझाता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अभी दोस्तों मैं अगर आपको मैं किसी का इंप्रेशन दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कि अभी आपके सामने बात ही कर रहा था, थोड़ा सा यहाँ रिफ्रेश किया और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 28 मिलियन हो गया। इतना तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है इंप्रेशन, देख सकते हो इंप्रेशन बढ़ गया। अब बात करते हैं इसके व्यूज़ का, डाउन करते हैं यहाँ पर, आप व्यूज़ देख सकते हो। तो यहाँ पर व्यूज़ देखोगे अभी इसके ऊपर 48,000 व्यूज़ दिखा रहा है रियल टाइम में, 48,000 व्यूज़ यहाँ पर दिखा रहा है, देख रहे हो। और अगर आपको मैं यहाँ पे व्यूज़ दिखा दूँ इसका लास्ट 60 मिनट में, तो इतना व्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हर जगह से व्यूज़ आ रहा है, ब्राउज फीचर से, सजेशन से, यूट्यूब सर से, एंड स्क्रीन से, हर जगह से व्यूज़ आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब इस वीडियो को फैला रहा है, ब्राउज फीचर में भेज रहा है इस वीडियो को, सजेशन में भेज रहा है, सबके होम पेज में जा रहा है, सबके यहाँ पे ब्राउज फीचर में जा रहा है, समझ रहे हो। दूसरे की वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे इस वीडियो को रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब, क्यों कर रहा है, क्योंकि वीडियो को लोग देर तक वॉच कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो के अंदर स्पाइक भी बना हुआ है यहाँ पर, और इस वीडियो को देर तक वॉच कर रहे हैं, 4 मिनट से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे अगर हमारा इंप्रेशन बढ़ रहा है तो CTR कैसे डाउन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको पूरा मोबाइल पर समझाऊंगा, ठीक, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड है नहीं यार, तो उतना से समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से समझना। अब मान लो कि आपकी वीडियो का जो इंप्रेशन है, अब YouTube जो है वो भेज रहा है 1000 लोगों को, 1000 लोगों के सामने से आपको वीडियो का थंबनेल गुजार दिया, ठीक है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ 100 लोग क्लिक कर रहे हैं। अगले दिन 2000 लोगों के सामने से गुजार दिया, अब कितने लोग क्लिक किए, मान लो कि 150 लोग क्लिक किए, तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो पहले वाले से कम ही लोग क्लिक किए, भले से ज़्यादा लोग तो क्लिक किए थे, लेकिन पहले 1000 लोगों को दिखाया गया था तो उसमें से 100 लोग किए थे, बट अभी तो 2000 लोगों को दिखा दिया गया ना, लेकिन 150 लोग क्लिक किए, तो CTR डाउन हो गया आपका वहाँ पे, क्योंकि दायरा बढ़ रहा है आपका। अगले दिन 5 लाख लोगों को इंप्रेशन आपको यूट्यूब भेज दिया, आपकी वीडियो को 5 लाख लोगों के सामने से गुजार दिया, ऐसा तो नहीं कि सबने क्लिक कर लेंगे, नहीं, हो सकता है इस बार 200-300 लोग क्लिक करेंगे, फिर भी अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो कम हुआ, तो CTR फिर डाउन हो जाएगा। मतलब CTR डाउन तब होता है जब आपकी वीडियो का इंप्रेशन बढ़ना शुरू होता है, तो जब बढ़ना शुरू हो रहा है तो थंबनेल बदलने की जरूरत नहीं है, उस वक्त क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, थंबनेल पे कुछ नहीं, थंबनेल अच्छा आपने लगाया है तभी तो YouTube आपके वीडियो का इंप्रेशन बढ़ा रहा है। पहले हमारे वीडियो का इंप्रेशन दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, तो आइए चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, 90 डेज का दिखाऊँ तो हमारा यहाँ पर वीडियो का जो इंप्रेशन है ऐसे आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डाउन जा रहा था इंप्रेशन। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर अपना थंबनेल चेंज किया और टाइटल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया, क्यों किया ये, आप कब करोगे ये, कब आपको करना है, कब चेंज करना है। देखो जिस वीडियो का इंप्रेशन एकदम खत्म हो चुका हो, इंप्रेशन आ ही नहीं रहा हो, YouTube आपकी वीडियो को किसी को दिखा ही नहीं रहा हो, तो उस पर अगर आप थंबनेल चेंज कर लो, टाइटल चेंज कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। किसका चेंज करना है, जिस वीडियो का इंप्रेशन डेली YouTube कुछ ना कुछ दे रहा हो, मतलब आपकी वीडियो का जो थंबनेल, आपकी वीडियो जो है डेली YouTube किसी ना किसी लोगों के पास भेज रहा हो, मान लो 100 लोगों के पास भेज रहा है, 200 लोगों के पास भेज रहा है, डेली भेज रहा है, लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आपको चेंज करना है, उस वक्त जब आपका इंप्रेशन डाउन हो रहा है, दिन पर दिन घट रहा है इंप्रेशन, ठीक है, इंप्रेशन घट रहा है, लेकिन डेली कुछ ना कुछ इंप्रेशन आना चाहिए, ऐसा ना हो कि जीरो हो गया, जीरो हो गया तो बदलने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने देखा कि यार यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ इंप्रेशन तो आ रहा है लेकिन क्लिक नहीं आ रहा है, तो फिर दोस्तों हमने यहाँ पर चेंज ही कर दिया, अपना थंबनेल चेंज कर दिया और टाइटल चेंज कर दिया, और यहाँ से जैसे ही चेंज किया दोस्तों थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया, आप देख सकते हो हमारा थंबनेल, अगर टाइटल आपको दिखा दूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि स्टार्टिंग ऐसे किया हूँ, 5-6 व्यूज़ आता है, गलत तरीके से वीडियो डालते हो, और ये जो तरीका है दोस्तों इसको मैंने गलत दिखा दिया है, और ये सब यहाँ पर लिख दिया जो कि लोगों को कनेक्ट किया है, लोगों को ये प्रॉब्लम है, लोगों को कनेक्ट किया, क्लिक करने लगे इस थंबनेल पे, जब क्लिक करने लगे तो YouTube इस वीडियो को और ज़्यादा फैलाने लगा, और आज इसकी रिच देख सकते हो कि एक एक दिन में 3 लाख लोगों के पास सिर्फ एक वीडियो जा रहा है लोगों के पास, तो जाहिर सी बात इसमें व्यूज़ बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंप्रेशन बढ़ रहा है इसका ना, इंप्रेशन क्यों बढ़ना शुरू हुआ, मैंने इसका थंबनेल और टाइटल चेंज किया, कब चेंज किया, जब हमारे वीडियो का इंप्रेशन डाउन हो रहा था, CTR नहीं देखा, अगर CTR देखता तो दोस्तों मैं चेक कभी चेंज नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि जिस दिन मैंने चेंज किया था उस दिन इस वीडियो का CTR सबसे ज़्यादा हाई था। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वीडियो ओपन किया, यहाँ पर गया एनालिटिक्स के, और आप देख सकते हो यहाँ पर रिच में जाऊँ, ये है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, अगर आप इसे CTR देखोगे किस दिन हाई था, 24 फरवरी को देख सकते हो 5.9% था, और इसी दिन मैंने चेंज किया था, 23-24 के आसपास मैंने चेंज किया था, चेंज करते ही मेरा इंप्रेशन बढ़ना शुरू हो गया और ये CTR डाउन होना स्टार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो जाने लगा, ज़्यादा लोगों के पास जाने लगा, तो CTR जाहिर सी बात धीमे धीमे डाउन होगा। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको डेट दिखा दूँ, 24 फरवरी 5.9% था इस दिन, सबसे ज़्यादा CTR गया था, तो जाहिर सी बात है उस दिन सबसे कम इंप्रेशन मेरे पास आया होगा, क्योंकि कम ही लोगों को दिखाया होगा, अगर कम लोगों को YouTube आपकी वीडियो दिखाएगा उसमें से अगर ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं तो CTR जाहिर सी बात है बढ़ जाता है आपका, ऐसा ही होगा, क्योंकि परसेंटेज बढ़ रहा है ना, परसेंटेज देखो 100 लोगों को दिखा रहा था, अब आपकी YouTube आपकी वीडियो को 50 लोग पास दिखा रहा है, और अब 50 में से 25 क्लिक कर रहे हैं, पहले 100 लोगों को दिखा रहा था और 25 क्लिक कर रहे थे, तो 100 में 25 क्लिक करेंगे तो कम हुआ ना,
जाहिर सी बात CTR कम हुआ, लेकिन 50 लोगों में ही 25 क्लिक कर दें, 50% हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डेज से आपको दिखा दूँ मैं इंप्रेशन, तो यहाँ पर जो इंप्रेशन डाउन होता है आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको 28 दिन का दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने चेंज किया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 22 फरवरी वहाँ पर दिखा रहा था ना, 22, 23, 24 फरवरी इसी के आसपास हमने चेंज किया था, और जैसे ही चेंज किया दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से तुरंत यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया, और अभी भी बढ़ रहा है। जब इंप्रेशन हमारा ज़्यादा जा रहा है तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे थंबनेल, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जब इंप्रेशन हमारा डाउन जाने लगेगा फिर हम चेंज कर देंगे, समझ रहे हो? ऐसे आपको काम करना है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर आपका CTR बहुत डाउन है, 2-3% चल रहा है, इंप्रेशन भी एकदम डाउन आ चुका है, CTR भी एकदम डाउन हो चुका है, तो ऐसे में आप चेंज कर सकते हो। लेकिन प्रेफरेंस किसको दोगे? इंप्रेशन को। अगर इंप्रेशन डाउन गया, इंप्रेशन एकदम घट रहा है, दिन पर दिन घट रहा है, तो थंबनेल चेंज करो, टाइटल चेंज करो, कुछ अट्रैक्टिव सा बना के लगा दो, क्योंकि यूट्यूब डेली आपकी वीडियो को किसी ना किसी के पास तो भेज रहा है ना। अब किसी के पास अगले दिन भेजेगा, नया थंबनेल, नया टाइटल क्लिक कर देगा, क्योंकि यार किसी के पास आपकी वीडियो का क्या दिखेगा? यूट्यूब ओपन किया, होम पेज में क्या दिखता है? एक थंबनेल दिखता है और टाइटल दिखता है। अगर आप इस दोनों को चेंज कर दो, अगले दिन ये वीडियो किसके सामने दिखेगा? अलग सा दिखेगा वो, अलग थंबनेल, अलग टाइटल, शायद इस बार वो क्लिक कर दे। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ भी, क्लिक बढ़ गया उस पर, मतलब उस पर लोग क्लिक करने लगे, इंप्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। फिर आप क्या करना, 28 दिन का ऐसे खोलना और ग्राफ देखना। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये ग्राफ डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा, तब आप अपना थंबनेल चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, कुछ अट्रैक्टिव सा बना देना, अट्रैक्टिव सा, ताकि लोगों को डेली यूट्यूब आपकी वीडियो को तो दिखा रहा है लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। क्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों को आपका वीडियो का क्या दिखता है? थंबनेल दिखता है और टाइटल दिखता है, यही दो दिखता है, बदल दो, थोड़ा अट्रैक्टिव बना दो, देख लो क्लिक करना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने किया था, ठीक है। और दूसरे काम और भी करना, रिच में जाना, अगर आपकी वीडियो सर्चेबल पर होगी तो यहाँ कुछ कीवर्ड आपको यूट्यूब शो करेगा, ये वो कीवर्ड होती है जिसको लोग लिख के सर्च करते हैं और यूट्यूब आपकी वीडियो रिकमेंड कर देता है उनको सामने, और लोग आपकी वीडियो पे क्लिक कर देते हैं, तो वो कीवर्ड यहाँ पर यूट्यूब दिखा देता है। आप यहाँ पे क्लिक करो, लास्ट 7 डेज होगा, यहाँ पर क्लिक करना, लास्ट 7 डेज यहाँ पे क्लिक कर लेना, जो भी कीवर्ड आपको दिख रहे होंगे ये सारे कीवर्ड लेके अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देना, और टॉप वाला कीवर्ड दोस्तों ये सब लेकर अपने टाइटल में लगा देना। मैंने भी किया है, टॉप वाला कीवर्ड मेरे टाइटल में होगा, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग का कुछ मैंने अट्रैक्टिव सा लिख दिया ताकि लोग क्लिक कर लें, और टाइटल के जब एंड में जाओगे तो हमने ये कीवर्ड भी लिख रखा है, आप देख सकते हो ये कीवर्ड भी लिख रखा है, ताकि हमारा सर्च से भी कुछ व्यूज आए, समझ रहे हो? इस तरीके से हमने वीडियो को बूस्ट करना, इंप्रेशन डाउन जाए चेक कर लेना, तब थंबनेल आपको चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, और सर्च टर्म में जो भी कीवर्ड रहेंगे उसको अपने टाइटल में, टैग्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यूज करना, उससे आपकी वीडियो पर बूस्ट मिलेगा, आपकी वीडियो का व्यूज बढ़ेगा। बट हाँ दोस्तों, अगर आपकी वीडियो का इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा है तो ये सब करना बेकार है, इंप्रेशन भी बढ़ा सकते हो आप। इंप्रेशन कैसे बढ़ाना है दोस्तों, यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगा, क्लिक करो, जाके देखो इंप्रेशन कैसे बढ़ाए जाते हैं, क्या क्या तरीके, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो यार, इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना यार, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, यार एक लाइक तो बनता है। चैनल पर पहले विजिट किया, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना, मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।